जहाँ तक इस रेसिंग स्टेशन का ताल्लुक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से बन रहा है, जिस जो DDUGJY के तहत बन रहा है। तो इसका ऑलमोस्ट जो एस्टिमेट कॉस्ट है ये 3 करोड़ के आसपास है। तो जहाँ तक रेसिंग स्टेशन का ताल्लुक है, इसकी कैपेसिटी 6.3 MVA का है। ये दो तीन महीने से काम चल रहा है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह वी एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड इन ऑलमोस्ट 2 months इंशाल्लाह। हमें बहुत सी पावर प्रॉब्लम थी, जो कि आप जानते हो कि पावर कितनी इम्पोर्टेंस रखता है आजकल की ज़िंदगी में। हर कोई चीज़ जो है, जो हमारे बेनिफिट के लिए, वो सारे इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए पावर की बहुत ज़रूरत थी हमें। हमें बहुत सी मुश्किलात आ रहे थे पावर के द्वारा, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इनिशिएटिव किया गया है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। हम बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है, मतलब इससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे मतलब इलाके में जो बहुत प्रॉब्लम होती थी, खासकर विंटर्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर नहीं रहती थी। तो इससे जो ये बन रहा है, ये प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, खासकर स्टडी के लिए, जो बच्चों को परेशानी उठानी पड़ती थी, तो उसके लिए मतलब सेंटर के तहत बन रहा है। तो मैं मतलब हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने हमारी ये मतलब परेशानी बहुत दूर की है।